नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार 2017 में पहली बार बनी तो तमाम सारे गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए। कुछ मुर्दे ठिकाने लग गए, कुछ मुर्दे आज तक चल रहे हैं घिसट घिसट कर। कभी कभी वो उभरते हैं फिर दब जाते हैं। आज बात उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में एक सड़क निर्माण से पहले ज़मीन के अधिग्रहण में हुए घोटाले की है। उस घोटाले में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के दो आईएएस अफसरों को उस समय निलंबित कर दिया गया था। एक थे विमल कुमार शर्मा और दूसरी थी मणिपुर कैडर से उत्तर प्रदेश में आई हुई अधिकारी थी आईएएस की निधि केसरवानी। ये दोनों जिला अधिकारी रहे थे गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में मामला तब का है जब निधि केसरवानी यहाँ पर 2016 के लगभग गाज़ियाबाद की जिला अधिकारी थी, वो यहाँ पर तैनात थी और योगी सरकार आने के बाद मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की जो ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, करीब 82 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया था, उसके अधिग्रहण में जो भ्रष्टाचार का खेल हुआ था उसमें तत्कालीन जो मेरठ के कमिश्नर थे प्रभात कुमार, उनकी जाँच रिपोर्ट के आधार पर दो आईएएस अफसरों को निलंबित किया गया था। अब निधि केसरवानी को इसमें कैट के द्वारा उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है। जब ये सड़क बनी थी तो ये कहा गया कि दिल्ली से मेरठ की दूरी अब मिनटों में तय होगी, लेकिन इस ज़मीन के जो अधिग्रहण में खेल हुआ वो करोड़ों का हो गया, अरबों का हो गया। और जब योगी सरकार ने इसकी जाँच कराई तब ये बात सामने आई कि ज़मीनों के अधिग्रहण की जो अधिसूचना थी उसके जारी होने के बाद, धारा 4 के जारी होने के बाद तमाम सारी ज़मीनों को खरीदने की बेचने की अनुमति जिला अधिकारी के स्तर से दी गई। आरोप यह भी है कि निधि केसरवानी के तमाम रिश्तेदारों ने इस सड़क के लेकर ज़मीनें खरीदी और उनका बैनामा कराया, जिसके बाद जिला अधिकारी के सर्किल रेट पर उनको 4-4 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया गया। इससे करीब सरकार को 486 करोड़ रुपए का चोट लगी, माने कि चूना लग गया। निधि केसरवानी 2004 बैच की मणिपुर कैडर की आईएएस अफसर हैं। वो उत्तर प्रदेश में 7 साल तक डेपुटेशन पर रहीं और उसके बाद जब उनका पीरियड पूरा हो गया तो वापस चली गई। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार उनको सीधे निलंबित नहीं कर सकती थी, लिहाजा उसने केंद्र को और मणिपुर सरकार को उनके निलंबन के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद निधि ने इस पत्र के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट में एक याचिका दाखिल की है। उस याचिका पर उनके निलंबन पर फिलहाल फौरी तौर पर रोक लगा दी गई है। निधि केसरवानी इस समय दोबारा से केंद्र सरकार में ही वापस तैनात हैं और वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी के पद पर हैं। लेकिन देखिए, जब इस प्रदेश में जब जब कोई एक्सप्रेसवे बना, जब जब कोई बड़ा निर्माण हुआ तो वहाँ घोटालों की बू जरूर आई। अब ये ज़रूर है कि जब आपकी सरकार रहती है तो उस समय वो घोटाला खुलता नहीं, जब सरकार बदलती है तो फिर वो खोद खोद के एक चीज़ निकाला जाता है। मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, तब कहा गया साहब इसमें बड़ा घोटाला हुआ। अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, तब कहा गया साहब ये तो बहुत ज़्यादा पैसा लग गया इसमें, इतने में तो सोने की सड़क बन जाती, इतना पैसा खा लिया गया इस एक्सप्रेसवे में। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया, अब गंगा एक्सप्रेसवे बनने की तैयारी चल रही है। ये सौभाग्य है कि योगी सरकार रिपीट कर गई। अगर कहीं सरकार बदली होती
तो यही दो एक्सप्रेसवे में पता नहीं कितने आईएएस अफसर निपटते, और जो सबकी निगाह में थे, जो यूपीडा जैसे महकमे में सीईओ थे, उन पर तो सब लोग दांत गड़ाए बैठे थे। ये तो भला हो जनता का कि सरकार रिपीट कर गई। तो इसलिए अभी जो बीजेपी सरकार में एक्सप्रेसवे बने उन पर कोई उंगली नहीं उठती है। लेकिन ये आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि जब जब इस तरह के कोई बड़े निर्माण या प्रोजेक्ट चलते हैं तो मज़ा हमेशा आईएएस अफसर काटते हैं। अब कुछ बदनाम हो गए निधि केसरवानी की तरह, कुछ की बदनामी दबी हुई है। अब देखिए कभी वक्त आएगा तो हो सकता है खुले। साल 2022 के हम अंतिम महीने में खड़े हैं और इस महीने में भी एक सप्ताह दो सप्ताह बाद चीज़ें बदल जाएंगी, यानी कि 2023 नए साल का आगाज हो जाएगा। नया साल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। करीब हम 24 यानी दो दर्जन दिग्गज आईएएस अफसरों से इस साल विदाई हो जाएगी। वो चेहरे हमेशा के लिए यूपी की ब्यूरोक्रेसी से चले जाएंगे, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनके नाम पर सरकार चलती है, जिनके नाम पर सरकार की धुरी टिकी हुई है। वो जो जनवरी के 2023 की शुरुआत से लेकर दिसंबर 23 तक कई सारे बड़े नाम आपके बीच से चले जाएंगे, उनकी सेवा पूरी हो जाएगी, वो रिटायर हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जब साल की शुरुआत होगी यानी जनवरी महीने की, तब सबसे पहले 1989 बैच के आईएएस सुरेश चंद्रा का रिटायरमेंट होगा। उनके पास श्रम और सेवायोजन विभाग है। लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन जनवरी के बाद फरवरी में आएगा, जब यूपी की ब्यूरोक्रेसी के एक साथ तीन बड़े दिग्गज नाम हमसे विदा हो जाएंगे। उसमें अभी इसी सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहे आरके तिवारी भी शामिल हैं, जो इसमें यूपी रोडवेज के चेयरमैन हैं। इसके अलावा यूपी के आईआईडीसी हैं 1988 बैच के अरविंद कुमार, जो अभी इन्वेस्टर समिट कराने में लगे हुए हैं। फरवरी में उनका रिटायरमेंट है। वो प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास भी हैं, एसीएस हैं और आईआईडीसी भी है उत्तर प्रदेश के। उनका पद बहुत बड़ा है, उस पर बहुत लोगों की निगाह होगी। तीसरा फरवरी महीने में ही आराधना शुक्ला, उनका भी रिटायरमेंट हो जाएगा। वो 1989 बैच की आईएएस अफसर हैं। मार्च में एक महत्वपूर्ण नाम है, 1994 बैच के आईएएस हैं, के राम मोहन राव, वो भी विदा हो जाएंगे हमसे आपसे, और 31 मार्च को उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। वो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के बाहर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसके वो चेयरमैन हैं। उसके बाद फिर आते हैं जून में। जून में भी बहुत तीन बड़े चौंकाने वाले नाम हम आपको बताएंगे, जिसमें एक तो दिल्ली में तैनात है लेकिन दो यूपी में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं। जून में सबसे पहले नाम आता है 1988 बैच के आलोक कुमार का, जो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के चेयरमैन रहे, अभी भी केंद्र में भी वो सचिव हैं ऊर्जा विभाग के। उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी कि अब से 6 महीना बाद। और उसी जून के महीने में यूपी के दो बड़े नाम, यानी कि वित्त विभाग में एसीएस हैं प्रशांत त्रिवेदी और दूसरा संजय भूस रेड्डी, जिनके पास गन्ना, चीनी, आबकारी और सुपर पावर क्या क्या है, वो ये दोनों नाम आपसे हमसे विदा हो जाएंगे। फिर उसके बाद जुलाई में एक सदाबहार नाम, जो हर सरकार में महत्वपूर्ण पद पर रहे, जिनको लोग मानते हैं कि उनको हर हमेशा सही जगह होना चाहिए, नवनीत सहगल, जुलाई में 1988 बैच के आईएएस अफसर। अब वो फाइनली उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से विदाई लेंगे जुलाई 2023 में। सहगल के बाद अगस्त में बात आती है संजीव मित्तल की। संजीव मित्तल 1987 बैच के हैं, बड़े सीनियर मोस्ट अफसर हैं और वो इस समय रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं। 87 बैच और उनका अगस्त में रिटायरमेंट। तो कई सारे पद आप देखिए खाली होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद सितंबर आता है। सितंबर के महीने में सुनील कुमार, जो रेणुका कुमार के हस्बैंड हैं, वो दिल्ली में बहुत समय से तैनात हैं भारत सरकार में, उनका रिटायरमेंट है। इसके अलावा सितंबर में ही बरेली के इस समय मौजूदा डीएम हैं शिवाकांत द्विवेदी, वो भी रिटायर हो जाएंगे। साल का जो आखिरी महीना है दिसंबर, उसमें एक बड़ा नाम रिटायर होगा, 1990 बैच के रजनीश गुप्ता। रजनीश गुप्ता पिछले काफ़ी सालों से
राजस्व परिषद में पड़े हैं, सरकार ने एक तरह से उनको वहाँ तैनात करके छोड़ दिया है, भूल गई है। नौकरी का आखिरी दौर बड़ा कठिनाई से कट रहा है, करीब 3 साल होने जा रहे हैं उनको, कोई सुधि नहीं ली गई। तो जो ये साल 2023 आ रहा है, ये 2 दर्जन से ज़्यादा IAS अफसरों की विदाई वाला साल होगा। स्टेट कैडर के इसमें बहुत सारे अफसर हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नाम हैं वो आपको निश्चित ही सोचने पर मजबूर करेंगे कि अच्छा अब ये अधिकारी तो बड़े महत्वपूर्ण थे, ये रिटायर हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि राजेंद्र कुमार तिवारी चीफ सेक्रेटरी रहे, अरविंद कुमार चले जाएंगे, फिर संजय भूस रेड्डी चले जाएंगे, प्रशांत त्रिवेदी चले जाएंगे, नवनीत सहगल चले जाएंगे, संजीव मित्तल चले जाएंगे, रजनीश गुप्ता चले जाएंगे, बहुत बड़ा खालीपन आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जिनकी जगह लेने में लोगों को सालों लगेंगे। बहरहाल तैयार रहिए कि इन सब पदों पर कुछ नए चेहरों को देखने के लिए। पावर सेंटर में अब बात उपचुनाव की, समाजवादी परिवार की और बीजेपी और सपा के बीच टक्कर की। उपचुनाव में जो सपा की जीत हुई उसने अखिलेश और शिवपाल के मिलन का बड़ा अहम रोल रहा। उस रोल के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े सारे समीकरण बदले। अब जब समीकरण बदल गए तो बीजेपी के कान खड़े हैं, अब वो निकाय चुनाव में इन कमियों को दुरुस्त करने में लगी है। दूसरी ओर शिवपाल के आने से सपा की ताकत बढ़ गई। अब शिवपाल के कद पर सबकी निगाह है कि उनका कद जो बढ़ेगा तो वो निकाय चुनाव पर क्या असर डालेगा, और इसका अंदाज़ा भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हो गया है। लिहाजा शिवपाल के दरबार में टिकटार्थियों की, नेताओं की भीड़ भी बढ़ने लगी है, यानी कि उनका दरबार अब सचने लगा है। उत्तर प्रदेश के जो 17 नगर निगम हैं उनमें लोग जानते हैं कि अधिकतर पर तो बीजेपी कब्जा है, समाजवादी पार्टी खाता नहीं खुला था। बीजेपी के पास बढ़िया बूथ प्रबंधन है, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, सेक्टर स्तर पर हो, हर जगह वो विपक्ष की तुलना में काफ़ी मजबूत है। अभी उसने निकायों में हर जगह पर प्रबुद्ध सम्मेलन कराया, तमाम सारी योजनाओं की वहाँ पर ऐलान किया गया, ये सब उसी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर चल रही हैं चीज़ें। लेकिन बीजेपी इस बात को भूली नहीं है कि उसे उपचुनाव में मात मिली है। अब यही कारण है कि वो आगे वाले चुनाव में विपक्षी दलों पर काफ़ी नज़र रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उसे तोड़फोड़ करना है, बिना तोड़फोड़ के उसका काम बनेगा नहीं। तो ऐसे में अगर विपक्ष में शिवपाल यादव आ गए तो अब समाजवादी पार्टी का रोल विपक्ष में बहुत अहम हो जाता है। अब ये रोल तब और स्पष्ट दिखेगा जब टिकट वितरण में शिवपाल यादव की छाप दिखे सपा के, क्योंकि उनकी राय अब बड़ी महत्वपूर्ण होगी। अब उससे पहले सबकी निगाह इस बात पर लगी है कि शिवपाल यादव का अब समाजवादी पार्टी में क्या पोजीशन होगी। अभी इसका ऐलान होना बाकी है। अगर शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष या यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी की ताकत दोगुनी हो जाएगी, और वो एक कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी मैनपुरी का जब से उपचुनाव का रिजल्ट आया तब से अखिलेश लखनऊ में भी कम रुक पाए, क्षेत्र में भी कम जा पाए, शिवपाल और उनके बीच मीटिंग भी कम हो पाई, इसके चलते अभी कोई निर्णय हो नहीं पाया है कि पहले शिवपाल यादव की पोजीशन स्पष्ट हो कि वो किस रोल में कहां पर बैटिंग करेंगे। तब टिकटार्थियों के बारे में भी वो कुछ बोलने के, आश्वासन देने के स्थिति में रहेंगे। शिवपाल यादव 6 साल अलग रहकर अपनी पार्टी चलाए हुए हैं, तमाम उनके साथ पुराने लोग रहे, तमाम लोग संबंधों का हवाला भी देते हैं। लेकिन शिवपाल जैसा अनुभवी नेता, ये माना जाता है कि टिकट वितरण में कहीं कोई कमजोरी नहीं आने देगा, वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिवपाल जब से अखिलेश की ताकत बने हैं तब से एक अलग सा माहौल बना है। अभी तक बीजेपी को बिखरे हुए विपक्ष से बहुत आसानी थी लड़ने में, शिवपाल के आने के बाद विपक्ष एक बहुत ज़्यादा मजबूती के रूप में सपा उभरी है। ये कोई आसान नहीं है कि कोई खाली मैदान मिलेगा। दूसरा, मुलायम सिंह का जो भरोसा शिवपाल पर था
और शिवपाल यादव ने परिवार की खातिर जो त्याग किया उसमें अखिलेश यादव की भी अब बदली हुई भूमिका दिखाई पड़ती है। उनके व्यवहार में भी लोग परिवर्तन महसूस करते हैं। चाचा भतीजे की ये केमिस्ट्री पार्टी को नई बुलंदियों और ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश में होगी, लेकिन उसका सबसे पहला आप परोक्ष रूप से तब उसका नज़ारा देखेंगे जब शिवपाल यादव की ताजपोशी होगी। उस ताजपोशी के बाद राजनीतिक पंडित और जानकार ये ऐलान कर सकेंगे कि निकाय चुनाव 2024 का चुनाव अब समाजवादी पार्टी किस स्तर पर जाकर कितनी सीटों पर जीत हार की स्थिति में आएगी। तो शिवपाल को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक बदलाव समाजवादी पार्टी के लिए यह भी आया कि अभी तक अखिलेश यादव के अलावा उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो राजभर नाराज हो गए चले गए तो उनसे बात कर ले, उनको मना ले। केशव देव मौर्य चले गए तो उनको मना ले। शिवपाल के आने के बाद ये स्थितियां बदल सकती हैं। वो कुछ नए साथियों को तलाश कर सकते हैं क्योंकि वो पहले राजभर के साथ दोस्ती कर चुके हैं, MIM के साथ उनकी दोस्ती रही है, प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी शिवपाल के अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो ये अखिलेश के लिए वो एक एडिशनल ताकत और बढ़ा सकते हैं चुनाव में। तो उनके खिलाफ जो सपा के खिलाफ और अखिलेश के खिलाफ जो विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के स्वर हैं वो भी वो कमज़ोर कर सकते हैं। ये सब आंकड़े और आकलन तब और ज़्यादा मजबूत स्थिति में होंगे जब शिवपाल यादव की पोजीशनिंग साफ होगी कि वो पार्टी में किस भूमिका में रहेंगे। बहरहाल सबकी निगाह भी इसी पर है। अब बात सस्पेंस की, सत्ता के गलियारे की, चर्चा की। चर्चा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा या वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को सरकार एक और सेवा विस्तार देगी। इसको लेकर कयासों का दौर बहुत तेज चल रहा है। आज हम पावर सेंटर में इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वो पहले से ही एक्सटेंशन पर हैं, सेवा विस्तार पर चल रहे हैं। जब कार्यकाल थोड़े दिन बचा है तो ब्यूरोक्रेसी में कानाफूसी चल रही है कि चीफ साहब का क्या हो रहा है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कौन बनेगा, ये बड़ी रहस्य की बात है और लोगों के बीच बड़ी उत्सुकता इसको लेकर बनी हुई है। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी बनने का ख्वाब सारे IAS अधिकारी रखते होंगे, जो सीनियर हैं वो तो स्वाभाविक रूप से, तो ऐसे में चर्चाएं तेज होना स्वाभाविक है। देखिए, जानकार इस बात को मानते हैं कि दुर्गा शंकर मिश्रा केंद्र की भी पसंद है और योगी की भी पसंद है, उनको एक और सेवा विस्तार मिल सकता है। हालांकि यह सेवा विस्तार कितने समय का होगा इसको लेकर मतों की भिन्नता है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें दोबारा एक साल का सेवा विस्तार मिल सकता है क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन्हें शायद 6 माह का ही सेवा विस्तार दिया जाए क्योंकि यह दूसरी बार होगा। इन दोनों मतों के अलावा एक तीसरा मत यह भी है कि दुर्गा शंकर मिश्रा को 3 महीने का ही सेवा विस्तार मिल सकता है, यानी कि मार्च तक। इसके पीछे लॉजिक ये है कि उत्तर प्रदेश में 31 मार्च को DGP DS चौहान भी रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार शायद चीफ सेक्रेटरी और DGP के पदों पर एक साथ दोनों नए चेहरे बिठाने की इच्छा रखती हो। वैसे ये अधिकार सरकार के पास है, लेकिन अगर 31 मार्च को दोनों रिटायर होते हैं और दोनों की जगह नए नाम आते हैं तो उसमें कौन कौन दावेदार हो सकते हैं? 1988 बैच के IAS मनोज कुमार सिंह, जो इस समय APC हैं, वो चीफ सेक्रेटरी पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर दुर्गा शंकर मिश्रा को 31 दिसंबर को सेवा विस्तार नहीं मिलता है, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो सरकार क्या मनोज सिंह को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर पाएगी? इस राह में एक रोड़ा है। सरकार के सामने मुख्य सचिव और DGP दोनों वो पदों पर एक साथ ठाकुर अफसर वो नहीं बिठा सकती। ये अपना लोगों का एक लॉजिक है, इसलिए लोग ये मानते हैं कि जब तक DGP DS चौहान इस पद पर रहेंगे
तब तक मनोज कुमार सिंह को सरकार चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाएगी, तो उनको चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका 31 मार्च के बाद ही मिल सकता है। हालांकि मनोज कुमार सिंह के पास काफ़ी लंबा समय है, 2025 में उनका रिटायरमेंट है, वो जब भी चाहेंगे आराम से बन जाएंगे। एक तर्क ये भी आ रहा है कि DS चौहान जो उत्तर प्रदेश के इस समय DGP हैं, वो 31 मार्च को रिटायर ही ना हो, उनके लिए भी सरकार एक्सटेंशन मांग ले। कुंभ का मेला आ रहा है और तमाम सारे लॉ एंड ऑर्डर पर काम होने बाकी हैं। चौहान ने पुलिस के सुधार के क्षेत्र में कई बड़े कारनामे किए और ये जब वक्त बीतेगा लोग पीछे पलट कर देखेंगे तो इस बात का एहसास भी करेंगे। उनका काम उल्लेखनीय इसलिए होगा क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट उन्होंने 3 बढ़वाई। ADG जो कमिश्नर होते थे उनकी जगह पर IG को भी अब कमिश्नर बनने का मौका दिया। ये मौका इस लहजे से भी महत्वपूर्ण है कि IG पद पर स्टेट कैडर के भी कई सारे अफसर जाते हैं। अब स्टेट कैडर का अफसर भी किसी कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बन सकता है, ये भी एक उसके पीछे एंगल है। तीसरा, पुलिस में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की जो योगी सरकार की इच्छा थी उसको DS चौहान ने मजबूती से लागू किया है। अभी तक उनके कार्यकाल में पुलिस पर भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है। तो ये सारे तर्क ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि एक पद चीफ सेक्रेटरी का जो है उसको लेकर उसके इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कितने सारे समीकरण बदलते रहेंगे और उनकी संभावनाएं क्या क्या बन सकती हैं। वैसे एक चीज़ यहाँ पर बताना आपको ये भी उल्लेखनीय होगा कि मनोज सिंह 1988 बैच के IAS हैं, उनसे सीनियर 1987 बैच है अभी यहाँ, लेकिन उसका प्लेस चीफ सेक्रेटरी के लिए पड़ेगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन हम आपको बताएं कि 87 बैच में महेश गुप्ता हैं, संजीव मित्तल हैं, हेमंत राव हैं और मनोज सिंह के ही बैच में उनसे सीनियर माने जाते हैं रजनीश दुबे 1988 बैच। ये सब सरकार में मनोज सिंह से सीनियर हैं, लेकिन सरकार की पहली पसंद अगर कोई बनेगा तो वो मनोज कुमार सिंह ही बनेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तब स्पष्ट होंगी जब दुर्गा शंकर मिश्रा जो आज वर्तमान चीफ सेक्रेटरी है उनकी पोजीशन क्लियर होगी, उनको सेवा विस्तार मिलेगा या नहीं, बहुत सारे समीकरणों पर वो निर्भर है। बहरहाल ब्यूरोक्रेसी के इस विश्लेषण के बाद अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं और आज हम वसीम बरेलवी के एक शेर के साथ समापन करेंगे जो हर आदमी को खुददारी से जीने का, सच बोलने का और समाज में सही चीज़ रखने की हिम्मत और ताकत देता है। सुनिएगा कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाए कैसे, और लाख बढ़ी आती हो तलवारें गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। नमस्कार।